ट्रेन चल गया और ये देखिए क्या व्यू मिल रहा है। और यहाँ से हम डायरेक्ट निकलेंगे मसूरी के लिए, मसूरी में स्टे करेंगे। तो गाइस अब हम लोग ये रूम छोड़े और निकल रहे हैं, अभी हम लोग जाएंगे बाहर, पहले कुछ खाएंगे पियेंगे, फिर आज हमारा ट्रेन है कटरा से ऋषिकेश का, तो चलते हैं। बाय बाय कर दो इस रूम में। हम लोग कितने दिन रहे? 4-5 दिन रहे, 5 दिन तो थे। चलिए तो गाइस जो कल पहने थे उसको नहा के फिर से वही पहन लिए, क्योंकि ट्रेन में बैठना है तो शॉर्ट्स और ये टी शर्ट में आराम रहेगा, और ऑब्वियसली क्रॉक्स शूज़ वगैरह नहीं पहन के चलेंगे। तो चलते हैं अब नीचे, सब नीचे गए। तो गाइस अभी सारा लगेज वगैरह हम लोग ये मामा मामी के रूम में रखेंगे, क्योंकि अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं कुछ खाने। 2 बजे हम लोग यहाँ से चलेंगे, मतलब 2 बज रहा है, तो अभी कुछ देर में हम लोग यहाँ से निकलेंगे, खाएंगे पियेंगे, फिर उसके बाद ट्रेन हमारा 4:30 बजे का ट्रेन है। तो अभी बैग यहीं पर रहेगा, खा पी के आते हैं, फिर बैग लेके चलेंगे यहाँ से डायरेक्ट कटरा स्टेशन, वहाँ से हमें जाएंगे डायरेक्ट ऋषिकेश। तो गाइस हम लोग होटल से निकल गए हैं, अभी हम लोग चल रहे हैं खाने पीने, नाथूज में सब लोग चलेगा। बारिश हो रहा है काफ़ी तेज़, देखिए उसी में हम लोग भीगते भीगते चल रहे हैं। ये सामने गेम जोन है गाइस, उसी के जस्ट नीचे नाथूज है। तेज बारिश हो रहा है, भीगते भीगते चल रहे हैं हम लोग। ये हम नाथूज में आ गए हैं। सो गाइस फाइनली आ गए नाथूज पे, बारिश में हल्का हल्का भीगते भीगते सब लोग आ गए। हम लोग उधर लंबे वाले चेयर पे बैठते हैं, क्योंकि हमारी बड़ी फैमिली है तो सब लोग एक साथ बैठे हैं। जी देखिए हमने ऑर्डर किया था डोसा और छोला भटूरे, ये डोसा आ गया, देखिए कितना बड़ा डोसा है, एकदम मस्त। तो सबका डोसा सबका छोला भटूरे आ रहा है, हम तो अभी अपने पीसी पे वापस जा रहे हैं। देखिए हमारे अभी ये रेडियो 67 बढ़ा दो भाई, बढ़ा दो। सो गाइस ये देखिए सबका डोसा छोला भटूरा सब कुछ आ गया है, और ये देखिए हमारा भटूरा ऐसे इस वाले शेप में। और गाइस पहले डोसा टेस्ट करते हैं। डोसा इज बहुत यम्मी गाइस। तो गाइस हमारा पूरा स्नैक्स ब्रेकफास्ट सब हो गया, और अब हम नाथूज से निकल रहे हैं, अब हम लोग चलेंगे अपने स्टेशन, पहले होटल से सारा लगेज ले लेते हैं। वो देखिए गाइस ऊपर जब आता थी कब आ, तो एक बार माता का नारा लगाते हैं। तो गाइस हम लोग यहाँ देखिए जय माता दी काम से निकल रहे हैं, माता को फाइनली बाय करते हैं, हम लोग फिर से जल्दी से आएंगे। और ये आ गया हमारा 2-2 गाड़ी, अब हम लोग यहाँ से चल रहे हैं डायरेक्ट कटरा स्टेशन, फिर वहाँ से चलेंगे ऋषिकेश। तो चलते हैं गाइस, आप लोग बैठ गया। हर महादेव करा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। तो गाइस अब हम लोग चल रहे हैं जय माता दी के यहाँ से, वापस आएंगे फिर से आएंगे जल्दी से, और अब चलते हैं हम लोग कटरा स्टेशन चल रहे हैं। गाइस ये देखिए कटरा स्टेशन आ गया है, बस हमें चलना है, हमारा 4:00 के बीच में का ट्रेन है, अभी 3:35 हो रहा है। गाइस देखिए अर्धकुंवारी दिख रहा है यहाँ से, जय माता रानी, भव्य नज़ारा यहाँ से मिलता है हर जगह से, पूरे कटरा में कहीं भी रहिए आपको दिख जाएगा। इधर से गाइस हम लोग को चलना है स्टेशन, हम लोग स्टेशन पहुँच गए। सो गाइस हम लोग स्टेशन पर आ गए लगेज वगैरह लेके, अब सब लोग चल रहे हैं अंदर। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से हमारा ट्रेन चलेगा, और 4:20 का हमारा ट्रेन है, 3:40 हो रहा है, 40 मिनट और बचा है लगभग, तो हम चलेंगे अपने प्लेटफॉर्म पर, पहले चलते हैं आगे, और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, लंबा ट्रिप हो गया इस बार हमारा। हम लोगों ने आलू के पराठे वराठे सब पैक करा लिया है, ताकि रात को हम लोग खा सकें, तो आलू के पराठे हो गए हैं पैक। तो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, ताई जी और टिंगू भैया सब लोग आज चढ़ाई करने वाला था, तो उन लोग अब चढ़ाई कर चुके होंगे, मे भी आधा पहुँच गए होंगे अर्धकुंवारी तक, और आज वो लोग दर्शन करके वो लोग भी नीचे आ जाएंगे। वो देखिए सामने अर्धकुंवारी माता दिख रही है, वहाँ पर अर्धकुंवारी मंदिर है, फिर ज़मीन आकर ऐसा इस वजह से ऐसे आवाज़ आ रहा है। थक गए गाइस लगेज खींचते खींचते, हम तो बस एक बैग लिए अपना, देखिए हमारा लगेज है, शॉर्ट्स पहन के पूरा ट्रैवल करें गाइस, काफ़ी आराम रहता है इसमें। वाह बढ़िया बना स्टेशन यहाँ का। गाइस प्लेटफॉर्म में 2 पैर में जाना है, यहीं से जा रहा है, ये यहाँ का सिस्टम अच्छा है, सीढ़ी नहीं है, डायरेक्ट पूरा लगेज अगर ऐसे लेके चल चलेंगे आराम से नीचे तक, इधर सीढ़ी है बस कल नीचे उतरने वाला। अभी हम चले गए प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, हेमकुंड एक्सप्रेस है हमारे ट्रेन का नाम।
गाइस सब लोग प्लेटफॉर्म पे आ गए अपने, सबका लगेज यहाँ पे देखिए रखा हुआ है, और ट्रेन हमारा आ रहा है रिवर्स, लगता आगे चला गया था तो ट्रेन वापस से पीछे आ रहा है। हम लोग का बी टू बर्थ है, वापस उसमें से अकेले है तब वो पीछे आ रहा है, हम लोग खींच रहे हैं गाइस रस्सी से। गाइस बी टू रुक गया, गाइस यहाँ पे हम लोग खड़े थे, हमारे सामने हमारा बी टू आ गया, क्या नंबर है, हरा हरा महादेव। तो गाइस अब आ गए ट्रेन के अंदर, जय माता दी। वाह गाइस एकदम चिल्ड है यहाँ के, एसी बहुत अच्छा है। कौन सा है हमारा, यही है सब अपना है। वाह गाइस ये पूरा 12 घंटे के लिए हमारा ये एरिया, हमारा ट्रेन चल गया, और ये देखिए क्या व्यू मिल रहा है। गाइस ये देखिए गुफा, ये देखिए गाइस गुफा आ गया बाहर, एकदम पूरा प्रॉपर अंधेरा हो गया अंदर लाइट की वजह से। सो गाइस 9:53 हो रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 10 बज गए हैं, और ये देखिए हम आलू के पराठे जो पैक करके लाए थे वो खाने जा रहे हैं। बाकी सब लोग देखिए यहाँ हमारे नीचे, ये पूरा फुल बोगी हमारा है। अब हम खाने जा रहे हैं अपने आलू के पराठे, मिक्स पिकल भी दिया उसके साथ। 10 बज रहे हैं, ये आलू के पराठे और ये अचार खाते हैं इसको। सो गाइस हम लोग खाना वाना खा लिए, रात के 11 बज रहे हैं, तो अब हम लोग जा रहे हैं सोने। तो ये देखिए सब लोग यहाँ लाइन से सोया हुआ है, देखिए मामा बाबू को खिला रहे हैं, और अब हमारा हो गया सोने का टाइम, तो अब सुबह मिलता है, तब तक के लिए गुड नाइट। सो गाइस हम पहुँच गए हरिद्वार, और ये देखिए ट्रेन हमारा चल गया, एकदम जल्दी जल्दी से उतरना पड़ा, नहीं तो हम लोग 2 मिनट से छूटे, 2 मिनट बस हुआ है उतरे अभी, और तुरंत देखिए ट्रेन चल गया। सब लोग सोए हुए थे, अभी जस्ट सो के उठे हैं, नहीं तो अभी हम लोग डायरेक्ट ऋषिकेश पहुँच गए थे, हरिद्वार उतरना था। सोए हुए थे, जल्दी जल्दी सारा लगेज उतार रहे हैं सब लोग, जल्दी जल्दी तुरंत उठ के मार मार के उठाया गया, जल्दी जल्दी ट्रेन से उतारा गया, 2 मिनट बचा है तुरंत ट्रेन चला गया, हम लोग को उतरे बस 2 मिनट हुआ तुरंत ट्रेन आगे चला गया। तो हम आगे गाइस हरिद्वार में, सारा लगेज वगैरह हमारे यहाँ पे है, और अब चलते हैं, अब हम लोग यहाँ पे चलेंगे बाहर, चलिए गाइस चलते हैं। ठीक है, हम लोग हरिद्वार में रुकेंगे या नहीं रुकेंगे वो तो बाहर ही चल के पता चलेगा, डिपेंड करता है पापा लोग के मूड के ऊपर, चलते हैं गाइस। तो नीचे उतर रहे गाइस, वो देखिए बाहर पूरा वहाँ पे गाड़ी वाड़ी खड़ा है कार, और ये देखिए पूरा नज़ारा पहाड़ आड़ पूरा दिख रहा है हरिद्वार का। गाइस स्टेशन के बाहर, हरिद्वार स्टेशन के बाहर आते ही आपको बुक कर, अगर आपको कहीं जाना है, जैसे हम लोग जा रहे हैं अभी मसूरी, तो मसूरी पे हम लोग स्टे करेंगे, वहाँ से फिर हम लोग इधर उधर ऋषिकेश और हरिद्वार घूमने आएंगे, तो यहाँ पे आके आपको पर्ची कटवाना पड़ेगा ताकि ट्रेवलर के लिए या फिर किसी गाड़ी के लिए। तो हमने ये पर्ची कटवाया है, 5200 रुपये ले रहा है, 5200 रुपीज़, 2000 इसने एडवांस लिया है, 3200 रुपये बाद में पे करेंगे, और ये हुआ है ट्रैवलर हमारा बुक। तो सारा लगेज हमारा अभी ट्रैवलर पर रखाएगा, और यहाँ से हम डायरेक्ट निकलेंगे मसूरी के लिए, मसूरी में स्टे करेंगे, वहाँ घूमेंगे, फिर उधर से अगल बगल जो भी होगा हरिद्वार ऋषिकेश हर जगह वहीं से घूमेंगे, वहीं से जाएंगे। तो हरिद्वार से है 70 किलोमीटर मसूरी, तो अब हम लोग आगे का सफ़र करेंगे इस टेम्पू ट्रैवलर से, तो चलिए गाइस चलते हैं।